आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। बता दें कि ये दोनों सीटें मुख्य विपक्षी दल सपा के सांसदों अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा के लिए चुने जाने पर लोकसभा से इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई हैं। जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में जीत हासिल कर सपा को उसके गढ़ माने जाने वाले इन क्षेत्रों में झटका देना चाहेगी, वहीं सपा अपने दोनों मजबूत किलों को अपने पास महफूज रखने की जी तोड़ कोशिश करेगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 23 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।